हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसके चलते प्रदेश वन विभाग ने भी पौधों की रोपाई के लिए कमर कस ली है। इसी कड़ी के तहत हमीरपुर सर्कल में भी जल्द पौधों की रोपाई का आगाज हो जाएगा। चीफ कंजर्वेटर अनिल जोशी ने जानकारी देते हुए कहा कि जिला हमीरपुर में फायर सीजन लगभग खत्म हो चुका है और अब बरसात का मौसम शुरू हो गया है। हमीरपुर सर्कल में 1410 हेक्टेयर जंगलों में पौधों की रोपाई का काम शुरू होगा, जिसके लिए विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जोशी ने बताया कि हमीरपुर सर्कल में जुलाई व अगस्त माह में 9.25 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधों को रोपित किया जाएगा। वहीं जोशी ने कहा कि हमीरपुर में 299 हेक्टेयर भूमि, देहरा में 638 हेक्टेयर, ऊना में 472 हेक्टेयर भूमि पर पौधा रोपण किया जाएगा, जिसके लिए वन विभाग ने सभी प्रारंभिक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। वहीं जोशी ने बताया कि सरकार ने एक समृद्धि योजना चलाई है, जिसके तहत किसानों व बागवानों से विचार विमर्श करके ही पौधों का रोपण किया जाएगा। उन्होंने कहा, जिन क्षेत्रों में बंदरों का आतंक ज्यादा है, वहां पर आंवला, बेड़ा इत्यादि पौधों का रोपण किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है रेनी सीजन में पौधारोपण वन विभाग की, और इस बार 1410 हेक्टेयर एरिया जो है हम इसमें कवर कर रहे हैं, जिसमें 9.25 लाख पौधे लगाएंगे। विभिन्न प्रजातियों के पौधे हैं, लोगों की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए हम जो है पौधों को नर्सरी में लगाते हैं और उनको सब्सिक्वेंटली फील्ड में लगाते हैं। हमीरपुर में 299 हेक्टेयर एरिया पे हम पौधारोपण करेंगे, देहरा में 638 हेक्टेयर एरिया पे हम पौधारोपण करेंगे, और ऊना में 472 हेक्टेयर एरिया पे हम पौधारोपण करेंगे। जो एक इसके पौधारोपण से पहले की एक प्रक्रिया है एडवांस वर्क, जिसमें हम गड्ढे खोदने का कार्य है, बुश कटिंग का कार्य है, फेंसिंग का कार्य है, ये ऑलमोस्ट 90% हमारा कंप्लीट हो गया है, जो कि विद इन ए वीक हम इसको कंप्लीट कर देंगे। सब्सिक्वेंटली जुलाई के सेकंड हाफ में और अगस्त में जो है प्लांटेशन का कार्य जो है किया जाएगा। पौधारोपण के में एक इम्पॉर्टेंट सरकार के द्वारा एक स्कीम चलाई गई थी, सामुदायिक वन समृद्ध योजना। इसके तहत लोगों के साथ मिल बैठ के कार्य योजना बनानी थी, लोगों के साथ उनकी ज़रूरतों के मुताबिक जो है कार्य किए जाने थे, जिसमें पौधारोपण एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक कंपोनेंट था। लोगों से हमने उनके जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट आई, उसके बेस पर हमने नर्सरी में हमने पौधे लगाए, और हम उसको अब इस प्लांटेड सीजन में पौधारोपण करेंगे। और इस तहत है इस बार 5 हेक्टेयर एरिया हम हमीरपुर में लगाएंगे, जिसमें पौधारोपण का कार्य करेंगे। ऊना और देहरा में 25-25 हेक्टेयर के ऊपर कार्य करेंगे। हमीरपुर में जसौर UPF है, ये डुग्गा पंचायत में पड़ता है। यहाँ पर कार्य योजना यहाँ के लोकल जो हमने कमेटी गठित करी है, उनके माध्यम से लोगों के साथ मिल बैठ के बनाई गई है, और उन्हीं के साथ जुड़कर जो है इसके पौधारोपण का कार्य जैसे लास्ट टाइम भी हमने किया था, इस बार भी वो कार्य किया जाएगा। है कि हम क्योंकि पौधारोपण एक कार्य है, क्योंकि इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है लोगों की भागीदारी का, अगर लोग इसमें सहयोग देंगे पौधारोपण को सक्सेस करने के लिए, तभी हमारी प्लांटेशन सक्सेस रहेगी। तो इसी दृष्टि से हमने जो अपना प्लानिंग का फेस में ये कार्य किया कि लोगों के साथ उनकी रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी नर्सरीज में पौधे लगा रहे हैं, जो कि फॉडर प्रजाति के पौधे होंगे, जो कि फ्रूट्स बेयरिंग ट्रीज होंगे, और साइमल्टेनियसली वाइल्ड लाइफ का खासकर जो मॉन्कीज की प्रॉब्लम्स है इसको भी मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है ऐसे फ्रूट बेयरिंग पेड़ जैसे आंवला है, बेड़ा है, अरड़ है, ये भी पौधारोपण अभियान के तौर पे हमने इसको कुछ एरियाज़ को इस तौर पे चयनित किया है।